हेलो माय ब्यूटी क्वीन्स इस वीडियो में देखेंगे न्यू लॉन्च ब्लू हेवन मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप रिसेंटली ब्लू हेवन ने नए मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं और आज की वीडियो में मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करने वाली हूं लास्ट ईयर भी ब्लू हेवन ने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे बट दे फेल टू इम्प्रेस मी सो आज की वीडियो में देखेंगे क्या ये नए लॉन्च प्रोडक्ट सच में वर्दी हैं किस तरह के लग रहे हैं मुझे ये प्रोडक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा तो so, सबसे पहले शुरू करते हैं मेकअप से ही और मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर सो यहाँ पे ब्लू हेवन लाया है प्रेप एंड फिक्स प्राइमर एंड सेटिंग मिस्ट जिसको एज प्राइमर और सेटिंग स्प्रे जैसे विटामिन बी है तो मैंने इसको फेस पे स्प्रे कर लिया ये मुझे सा स्टिकी तो लगा लेकिन अगर के उपर, तो ये उनको फिल नहीं कर हेवन फ्रेश एंड फ्लॉलेस हाइड्रेटिंग स्किन टेंट जिसमें हाइलॉनिक एसिड भी है सनस्क्रीन भी है इस में आपको सेवन डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे so, क्योंकि ये फेस टेंट है तो आई थिंक आप हाई कवरेज या मीडियम कवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसका काफी लाइट और शेयर कवरेज रहेगा कंसिस्टेंसी इसकी जरूर थिक है लेकिन जब आप इसको अप्लाई करके ब्लेंड करोगे यू विल ओनली सी वेरी लाइट टू शेयर कवरेज इसमें जो शेड मैंने पिक करा वो है हनी टैन एस आई इसमें सेवन डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे ब्लू हेवन में अपना परफेक्ट मैचिंग शेड मिला हो सो आई रियली अप्रिशिएट दैट थोड़ा सा ब्लू हेवन ने अपना शेड रेंज बढ़ाया है दे शुड ट्राई टू एक्सटेंड एक्सटेंडेड लिटिल मोर एंड ये थ्री फिफ्टी रुपीज़ का प्रोडक्ट है ब्लेंड करना इसको काफ़ी आसान था इट्स इट वॉज रियली क्विक ईजी एंड एज आई मैंशन क्योंकि ये फेस टेंट है तो इसकी कवरेज काफ़ी लाइट एंड शेयर है यहाँ पर मैंने इसकी कवरेज थोड़ी सी बिल्ड करने की कोशिश की सेकेंड लेयर मैंने अप्लाई करी है एंड देन ऑल्सो इट लुक्स वेरी लाइट ऑन स्किन लेकिन कवरेज आपको लाइट ही मिलेगी यू विल नॉट इवन अचीव अ मीडियम कवरेज खास करके अगर आपकी मेरे जैसी पिगमेंटेड स्किन है नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू हेवन इरेज एंड एनहांस फुल कवरेज कंसीलर पेन जिसमें भी सेवन डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है मैंने क्रीम शेड पिक करा इसका प्राइस है फोर हंड्रेड रुपीज़ और ये इस तरह का ब्रिसल वाला पेन है पीछे से आपको बटन प्रेस करना है तो सामने से प्रोडक्ट डिस्पेंस होना चाहिए बट आई थिंक जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ उसमें कुछ मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट था जिसकी वजह से बार बार बटन प्रेस करने के बाद भी कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा था एनी मैंने ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स पर्पल से बाय करे थे तो मैंने अपना कंसर्न पर्पल की वेबसाइट के ऊपर मैंशन करा एंड दे विल बी रिफ्ट फंडिंग अमाउंट फॉर दिस पेन, सो मैं आपको नहीं बता सकती कि ये कंसीलर पेन किस तरह से काम करता है क्योंकि कोई प्रोडक्ट डिस्पेंस ही नहीं हो पाया सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ब्लू हेवन जेली एंड बटर हाइड्रेटिंग लिप बाम ये पांच डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है मैंने इसमें पिंक रोज शेड पिक करा है ये लिप्स के ऊपर काफ़ी हाइड्रेटिंग लगा मुझे लेकिन ये जो पिंक रोज शेड है इट लुक्स मोर लाइक अ पीची काइंड ऑफ शेड एंड इसका प्राइस है टू हंड्रेड रुपीज़ और लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू हेवन स्टोब एंड शेप कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग डुओ स्टिक जिसमें एवोगाडो ऑयल एंड मैंगो बटर है नाउ ये कॉन्टोर एंड हाईलाइटिंग स्टिक दो डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है और इसमें मैंने जो शेड पिक किया वो है मीडियम टू डस्ट स्किन के लिए एंड कॉन्टोर स्टिक मुझे काफ़ी क्रीमी लगी एंड ये एंगल शेप में है तो इसके साथ कॉन्टोर अप्लाई करना भी काफ़ी ईजी लगा एंड इट वॉज़ रियली रियली सॉफ्ट अगर आपकी ड्राई स्किन है यू विल लव दिस प्रोडक्ट कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए मैंने फ्लैट कबूकी ब्रश यूज़ करा है एंड ब्लेंडिंग वाज रियली क्विक एंड इजी एंड एफर्टलेस पिगमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्रोडक्ट का इवन फिंगर टिप के साथ भी इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेंड ना इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू हेवन किस एंड ब्लश लिप एंड चीक टेंट और इसमें भी सेवन डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं और मैंने इसमें फ्लैशी पिंक शेड पिक करा इसका प्राइस है टू फिफ्टी रुपीज़ सो so, इस ये काफ़ी हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग लगा मुझे ये प्रोडक्ट इसमें एवोकाडो ऑयल मैंगो बटर एंड एप्रिकॉट ऑयल है सो so, मैंने हायर पार्ट्स ऑफ द चीक पे इसको अप्लाई करा एंड देन फाउंडेशन ब्रश के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में ओवरऑल मुझे इसका टेक्स्चर मेरी स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा लगा ये एक नेचुरल ग्लो एड करता है स्किन के ऊपर So I totally loved it. Now, eye makeup करने के लिए क्योंकि मेरा कंसीलर पेन काम नहीं करा तो मैंने स्किन टेंट को ही फिंगर टिप के ऊपर लेके आईलेट के ऊपर फिंगर टिप के साथ ब्लेंड करके उसको अप्लाई करा एंड देन ब्लू हेवन के सफायर लूज पाउडर के साथ मैंने आईलेट को और अंडर आई एरिया को सेट करा है एंड देन उसके बाद यही लिप एंड चीक टिंट को फिंगर टिप के ऊपर लेके आईलिड के ऊपर आई मैंने अप्लाई कर लिया है ना इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक एंड क्रीमी है तो ये थोड़ा सा क्रीज़ करेगा लेकिन उसको कैसे फिक्स करना है आई एल शेयर विद यू लेटर ऑन इन नेक्स्ट स्टेप उससे पहले ये स्टोब एंड शेप क्रीम में से जो हाईलाइटर है मैं उसको हायर पार्ट्स ऑफ द फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ना हाईलाइटिंग स्टिक जो है ये इतनी ज़्यादा क्रीम या स्मूद नहीं है एज कंपेयर टू कॉन्टोर एंड ब्लश थोड़ा सा ड्राई लग सकता है इसका टेक्स्चर आपको तो मैंने इसको हायर पार्ट्स ऑफ द फेस पे अप्लाई किया ब्रिज ऑफ द नोज पे लेकिन बहुत ज़्यादा चंकी हाइलाइटर नहीं है काफ़ी स्मूद एंड सटल है ना आई फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक की ब्रॉ पेंसिल यूज़ करी है क्योंकि जो ब्लू है का ब्रॉ पेंसिल मेरे पास है दैट डज नॉट वर्क एट ऑल फॉर मी सो एंड काजल के लिए भी मैंने यहाँ पे के ब्यूटी का काजल यूज़ करा है uh, मेरे पास जो ब्लू हेवन का काजल है अगेन दैट डज नॉट वर्क वेरी वेल ऑन माई वाटरी आईज सो आँखों के ऊपर जहाँ पर मैंने लिप एंड चीक टेंट अप्लाई करा था उसको सेट करने के लिए मैं ब्लू हेवन का सफायर लूज पाउडर ब्रश के ऊपर लेके आईलिट के ऊपर टैप कर रही हूँ ताकि हल्का सा पिंकी टेंट भी रहे आँखों के ऊपर और वो क्रीज भी ना हो नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है ब्लू हेवन का सिल्क एंड स्टेन लिप टेंट जिसमें ऑल विटामिन ई e है नाउ ये जो लिप टेंट है ये पांच डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है और मैंने रेसबेरी लव शेड पिक करा है नाउ ये लिप टेंट्स हैं तो ये अच्छी तरह से आपके लिप्स को स्टेन करेंगे बट डोंट एक्सपेक्ट दैम कि इनका टेक्स्चर थिक होगा या क्रीमी लिपस्टिक के जैसे होगा ओवरऑल व्हाट आई फेल्ट कि ये काफ़ी देर तक लिप्स को स्टेन करके रखते हैं कलर पिगमेंट काफ़ी देर तक लिप्स के ऊपर रहता है एंड ओवरऑल uh, ये कलर जो मैंने पिक करा ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन सो लास्ट में फुल फेस मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए अगेन मैंने सेटिंग स्प्रे प्राइम एंड सेटिंग स्प्रे को फेस पर अप्प्लाई कर लिया है सो so, ये है मेरा फिनिश मेकअप लुक बाय यूजिंग न्यूली लॉन्च ब्लू हेवन मेकअप प्रोडक्ट्स मुझे हाइड्रेटिंग स्किन टिट एंड लिप एंड चीक टिट सबसे ज़्यादा पसंद आया है सेटिंग स्प्रे मुझे इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा स्टोब एंड शेप क्रीम में से भी मुझे कॉन्टोर अच्छा लगा कंसीलर मैंने ट्राई नहीं किया और जो लिप टिंट मैंने ट्राई करा है ये ट्रांसफर प्रूफ भी है इसको आप गर्मियों के लिए डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड हाइड्रेटिंग लिप बाम इज ऑल्सो गुड प्रोडक्ट सो ओवरऑल इंटायर रेंज आप एक बार चेकआउट कर सकते हो बजट प्राइस में है एंड हेयर यू कैन सी नेचुरल लाइट में मेरा मेकअप कैसा लग रहा है दैट्स वाई आई सेड मुझे हाइड्रेटिंग स्किन टिंट एंड लिप एंड चीक टिंट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर ये काफ़ी बढ़िया हेल्दी नेचुरल ग्लो एड कर रहा था सो so ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने ब्लू हेवन के नए मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करे आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और बिगनर्स के लिए मेकअप कैसे करें हेयर स्टाइल कैसे बनाएँ ऐसे और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाई